15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं और नवरात्र में श्रद्धालु व्रत रखते हैं। व्रत में कुट्टू के आटे और समाख्या का सेवन भी करते हैं, लेकिन पिछले नवरात्र में सोनीपत की जनता मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की थी, लेकिन अब की बार पहले से ही सोनीपत फूड सेफ्टी विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है। सोनीपत के कई इलाकों में कुट्टू के आटा और समाखिया को बेचने वालों के सैंपल भरे और जांच के लिए पंचकुला लैब में भेजे गए हैं। वहीं फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी ने बताया कि यहां से कुट्टू के आटा और समाखिया के सैंपल भरकर सभी को मिलावटी सामान न बेचने की हिदायत भी दी गई है। पिछली बार की घटना को देखते हुए नवरात्रों के व्रत आ रहे हैं, इसलिए आज पहले से ही कार्रवाई करते हुए फूड विभाग ने आज सोनीपत में कुट्टू के और सामक के आटे के सैंपल लिए हैं। टोटल 6 सैंपल लिए गए। ये सैंपल डीसी रोड, सब्जी मंडी और मुरथल से लिए गए और ये कार्रवाई चलती रहेगी ताकि लोगों को सामक का आटा और कुट्टू का आटा तथा व्रत की अन्य सामग्री अच्छी मिल सके। आपको बता दें कि फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने बस स्टैंड, हाईवे, ओल्ड डीसी रोड, बड़ा बाजार और अन्य बाजारों में स्थित दुकानों और दोनों चीज के सप्लायर्स के यहाँ छापेमारी की और उनको मिलावटी सामान ना बेचने की हिदायत दी है। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।